थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा अभी धक्के लग रहे हैं। नहीं धक्के आ रहे हैं, अब पहले से कम लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल रात को विभागों का आवंटन हुआ है और अब सभी मंत्रीगण अपने अपने काम में लग जाएंगे। हमें लगता है कि प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार का निर्माण हुआ है, उसी विश्वास के साथ हम लोगों को काम करना है और अलग अलग मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी है अपने विभाग के साथ साथ एक सामूहिक रूप में, एक कलेक्टिव लीडरशिप के रूप में हम लोग काम करेंगे और अपने घोषणा पत्र में जनता की तमाम जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद हैं, उन सबको पूरा करने का काम हम लोगों को करना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, तमाम नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सबको साथ जोड़कर आज एक नए स्वरूप में एक नई सरकार को अंजाम दिया है और जो चुनौतियां प्रदेश के सामने हैं उनको जल्द से जल्द निमटने का काम हमारी सरकार करेगी। हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ सबको साथ लेकर आगे चलने का काम करेंगे और जैसा मैंने पहले भी कहा कि कहीं कोई द्वेष की भावना या नकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन एक स्वच्छ सरकार दें, एक पारदर्शी सरकार दें, एक करप्शन फ्री सरकार दें और पुरानी सरकार जिस प्रकार से घमंड और अहंकार के लिए चर्चित थी, हम चाहते हैं कि ये सरकार जनता की सरकार हो। और कहा जाता है जब जब कांग्रेस का राज आता है मतलब जनता का राज आया है, तो आज किसान, नौजवान, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सब लोगों की उम्मीदें हम लोगों से हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग काम पे जुटेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, आपके सारे फैसले क्या दिल्ली से होंगे क्या, जैसे मंत्रियों का मंत्रिमंडल हो, चाहे विभाग का मामला हो? 7.75 करोड़ लोग राजस्थान के हैं, इन लोगों ने विश्वास हम पर व्यक्त किया है और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है। सरकार का गठन हुआ है, मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर, सबकी सलाह के साथ, सबके फीडबैक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत संतुलित हैं और आने वाले समय को देख कर लिए गए हैं। इसलिए ये जनता का जो आदेश है ये कांग्रेस के लिए सर्वप्रिय है और इसका पूरी शिद्दत से हम लोग इसका पालन करेंगे। सर, एक सवाल है, में पंचायती राज विभाग आने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं सरपंच के, उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि क्या सरकार उस कानून को संशोधन करेगी जिसमें योग्यता शैक्षिक योग्यता। हमने पहले भी कहा था कि शैक्षिक योग्यता कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन पहले लागू होनी चाहिए सांसदों पर, विधायकों पर, और उसके बाद निचले स्तर पर होनी चाहिए। उस पर सरकार निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी और जो जो विभाग मुझको व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं उन विभागों के अंदर हम लोग चाहेंगे पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा करें। सर, पहली 100 दिन की क्या योजना है? सर, पहले हम लोगों का पहला जो स्टेप रहेगा वो हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसको कारगर रूप से हम लोग लागू करेंगे। उसमें तमाम जो घोषणाएँ करी हैं उसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा और 100 दिन क्यों, मैं तो समझता हूँ उससे बहुत पहले ही हमारी सरकार का जो एक्शन है, एक्शन प्लान है, आपके सामने आ जाएगा। लोकसभा चुनाव भी है, बजट भी है, आपके पास जो है काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, तो इनको लेके क्या फर्स्ट टारगेट? डिपार्टमेंट सारे महत्वपूर्ण होते हैं और सरकार एक कलेक्टिव लीडरशिप की सरकार होती है। अलग अलग कल शाम को अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया, अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी बड़ी दी गई है। तो सरकार ने, पार्टी ने, सब ने सोच सलाह करने के बाद एक बहुत अच्छा बैलेंस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और सभी लोगों को एक अवसर मिलेगा कि जनता की जो कसौटी उस पर खड़ा होती है। सर, पहली कैबिनेट कब हो रही है? सर, कैबिनेट बैठक कब हो रही है? क्योंकि बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी। पायलट साहब, सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जो पहले सहकारी समिति वगैरह के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ता था, 2013 का अमेंडमेंट द्वारा लागू कर दिया आपने, किस रूप में देखते हैं आप? सभी विषयों पर आपको विस्तृत जानकारी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट दे देंगे, लेकिन मैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते
और इस प्रदेश का मुझे पार्टी ने सरकार ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, उसके नाते इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए अभी से हमारी पार्टी की तैयारी चालू है। कल भी हमारे मुख्यालय पर PCC में हम लोग की मीटिंग करेंगे, आने वाले समय के लिए जो तैयारियां हैं राजनीतिक रूप से उसको भी हम लोग पूरा अंजाम देंगे। और सरकार की कार्रवाई मैं चाहता हूँ जनता के सामने बहुत जल्द आए और एक ऐसी सरकार जनता को मिले जिसकी जनता 5 साल तक प्रतीक्षा कर रही है। कांग्रेस जब प्रतिपक्ष में थी तो ये आरोप लगाया था कि थैंक यू। सर पीछे आ जाओ ना, पीछे ये ना करा करते, सॉरी पेंडुलम मेरे को पता।